मेरा सपना आधा ही रह गया आगे जाने का, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना टायर का क्या हाल हो रहा है। अरे फक, कीचड़ उठल गई मेरे पे यार। भाई साहब एक बार चेक मारो, देख लो यार आप लोग के चक्कर में क्या हो गया। अभी यहाँ से वापस चलेंगे क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता बंद है। गाइस जब आप बहन के साथ घूम रहे हो ना ऐसी जगह, गाइस जब आप बहन के साथ घूम रहे हो ना ऐसी जगह पे, लोकेशन शूट करने से ज्यादा ना इसकी वीडियो शूट करनी पड़ती है। इसने परेशान कर रखा मेरे को। अब देखो आगे चलते हैं हम, कितना हो सके हमसे। यहाँ पे फिर से ढेर सारी भेड़ बकरी आ गई है एंड हम बस फाइनली, ये कीचड़ खत्म हो गई है एंड चेक मारो यार एक बार, चेक मारो नज़ारा। हाय 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 क्या सुंदर नज़ारा है। बकरी कौन है जोर से बोलो, बकरी कौन है? अरे बोल ही नहीं रही। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बर्फ में थोड़ा फोटो शूट करने के लिए। नज़ारा दिखा दो कैमरामैन, कैमरामैन नज़ारा दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। अरे मैं भी यहाँ हूँ, हेलो। बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, मैं हाफ टी शर्ट में हूँ। धूप भी बहुत बढ़िया है, धूप भी बहुत मस्त है, साथ में ठंडी ठंडी हवा है। इतना प्यारा सा मौसम, मैंने बस एक गलती है, मेरे सनशेड साथ नहीं है। वो होते तो फिर फोटो टॉप क्लास आती। वैसे भी तुम्हारा भाई सेक्सी है। तो फिर आप कभी बर्फ़ में आए हो ना, तो बर्फ़ का ये जो ये वाला साउंड है ना, ये इतना स्मूथ होता है ना। ये देखो कदम रखते ही ये जो, अरे स्लिप हो रही है यहाँ पे। गाइस बर्फ में आके अगर आपने नेचुरल बर्फ नहीं खाई तो क्या खाया? इसका एक अलग ही टेस्ट होता है, कि टेस्ट होता भी नहीं है बट मजेदार होती है यार बहुत। अरे कहना क्या चाहते ज्यादा मुझे नहीं पता, जिससे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को खोया हुआ हूँ इस नज़ारे में। इस लोकेशन से बाय मेन स्पॉट पे मिलता हूँ आपको, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी है। देख गाइस इस मौसम में यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट है, मतलब ये वाली बस एक टूरिस्ट की, टूरिस्ट आए हुए काफी इंजॉय करे आई गेस। बहुत सही जगह है ये डेस्टिनेशन चूज की। यार इस नज़ारे को छोड़ के जाने का मेरा ज़रा भी मन नहीं कर रहा, इतना सुकून मिल रहा है ना इसको देख के, मैं क्या बताऊँ। मतलब इतना खूबसूरत लग रहा है, मुझे नहीं पता कैमरा कितना बेटर दिखा रहा है। यहाँ पे जो मैं आंखों से देख रहा हूँ ना चीज़, वो शायद कैमरा नहीं दिखा पाएगा। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा इस मौसम में, ऐसा मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा यार, कितना बेस्ट है ये। एक टूरिस्ट की बस तो आगे गई, मैं आगे नहीं जा पाया क्योंकि वो थोड़ा एरिया ऑफ बीट हो जाएगा। एक तो पूरा ग्रुप है, मैं तो बस बहन के साथ हूँ, तो फिर कल कल कहीं गाड़ी फंस भी गई तो निकलने में दिक्कत आएगी। बाकी आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, आईडी शो हो रही होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा बस मन कर रहा है कि मैं कंटिन्यू इसको देखता रहूँ और बस यही वीडियो मैं कैप्चर करता रहूँ। ये देख लो ना पीछे एक बार, अगर कोई ब्लॉगर ऐसा व्यू आपको दिखा रहा ना इस महीने में, तो उसको तो एटलीस्ट अप्रिशिएट करो यार। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं लाइक करना तो हेटर्स होते हैं, डिसलाइक करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। हेटर्स हैं तो पसंद करने वाले भी हैं, व्लॉग देखने वाले भी हैं। अगर आपको नहीं देखना, कुछ लोग हैं देखने वाले जिनके लिए मैं बनाऊंगा डेफिनेटली, कभी छोड़ूंगा नहीं इस चीज़ को। सो अभी यहाँ से चलता हूँ मैं आगे मेन स्पॉट पे, ऑल्दो वो अभी उतना प्रॉपरली सेटअप नहीं है क्योंकि इस महीने में मोस्टली टूरिज्म डिपार्टमेंट एक्टिव शायद नहीं रहता है यहाँ पे, मोस्टली विंटर्स में रहता है। तो यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुई है ये लास्ट मंथ शायद, बाकी तो रिसेंटली भी पड़ी होगी। तो बस अब यहीं से वापस निकलेंगे। यहाँ पे ये ऐसे देखो गाइज, एक नज़ारा चेक करोगे, ये देखो पहाड़ों से निकल के आए थे, मैंने बहुत मुश्किल से वहाँ से गाड़ी निकाल ली थी जो फंस गए थे। अभी यहाँ आके रुक चुके हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है पत्थर हटाने का, तो यहाँ से ये गाड़ी जब हटेगी तभी हम आगे जा पाएंगे, तब तक वेट करते हैं यहाँ। तो निकल के अभी यहाँ से स्पेस हमें मिल गई, ज़्यादा आगे शायद मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अपना वो व्यू सारा ऑलमोस्ट सेम है यहाँ का। गाइस अब स्टार्ट हो रहा है असली ऑफ रोड, ये देखो इतनी सी सड़क एंड साथ में नीचे देख रहे हो नीचे क्या हाल है। तो बस यहाँ से सिंगल हैंड ड्राइव, ये थोड़ा मुश्किल तो है बट कोई ना, वी आर स्ट्रांग इनफ, कर लेंगे ये भी। गाइस ये है लास्ट डेस्टिनेशन जहां पे मैं रुका हुआ हूँ। मेरे पीछे जो वो एरिया दिख रहा है ना, वो सरथल वाला एरिया है, यहाँ पे भी नाइट कैंपिंग के लिए लोग जाते हैं बट हम वहाँ नहीं जाएंगे।
हम यहीं पे रुकेंगे कुछ टाइम, इतनी मस्त हवा चल रही है, तो कुछ फोटो शूट वगैरह कर लिया। बाकी इतना वर्थ था ना यहाँ आना, मैं बता नहीं सकता। फिर वापस चल के एक तो चीज़ अच्छी, यहाँ पे चेक पोस्ट पे एंट्री होती है ताकि इन केस कभी कोई दिक्कत हो तो दे कैन ट्रैक यू। सो अभी चलता हूँ यहाँ से वापस एंड देखते हैं कुछ और चीज़ दिखाने लायक हो तो। पीछे वहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ पे एंट्री होती है, नज़ारा ऐसा है। एंड वो वहाँ से नीचे आके जाके सर थलवा एरिया आता है। तो गाइस मैं एक हाईएस्ट टॉप पे वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे रुका हुआ फोटोज के लिए। हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, मेरे बालों से देख सकते हो, शायद कैमरा में भी आपको आवाज़ आ रही होगी हवा की, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। एंड यही शायद कोई मंदिर है मेरे पीछे, शायद, आई एम नॉट श्योर। बाकी पीछे नज़ारा चेक करो यार एक बार, टॉप मस्त। तो अभी यहाँ से मैं चलूँगा एंड वापसी का रास्ता ना शायद ज़्यादा ना दिखाऊँ मैं, क्योंकि ऐसा है नहीं कुछ दिखाने लायक। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो एंड शायद इस व्लॉग के दो पार्ट आए या एक में ही कवर करूँ मैं। बाकी अगर इन जगहों पर आपको फर्दर डिटेल चाहिए मुझे DM करो इंस्टाग्राम पर, आई विल डेफिनेटली टेक्स्ट यू बैक। इंस्टाइड शो हो रही होगी, मैं डेफिनेटली आपको टेक्स्ट बैक करूँगा, लोकेशन बता दूंगा। पहाड़ों में मैगी तो सबने खाई है, क्या किसी ने पहाड़ों में कुरकुरे खाए? इधर पे कुरकुरे इतना टेस्टी लग रहा है ना, मैं क्या बताऊं। बच्चे तो अकेले डर गए। गाइस देख रहे हो क्या रूट है, ऑफ रोड बोलते हैं इसको, तगड़ा वाला। दिस इज द रियल ऑफ रोड, मतलब टॉप पे पहाड़ों के टॉप, इससे टॉप कोई पीक ही नहीं है यहाँ की। ऑलमोस्ट 4000 मीटर्स ऑल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा होता है, वैल्यू तो कम लग रही होगी बट बहुत ज्यादा होता है। साथ में यहाँ पे ये लोग अपना वो बसेरा लेके चलते हैं, ट्रैवल करते हैं सर्दियों में यहाँ से, वहाँ गर्मी में इस साइड आते हैं जहाँ पे बर्फ़ कम हो, तो शायद यही नीचे जा रहे होंगे ग्रासलैंड वाली साइड। तो इन लोगों के थोड़ा तो जाम होता है बट इनकी भी अपनी लाइफ है, वी कांट बी सेल्फिश। सो बस यही था फैक्ट कि आप देखो यार रास्ता क्या मस्त है, एकदम बढ़िया, टॉप क्लास ऑफ रोड, मज़ेदार सीन है। आंटी से तो डर रहे हैं, आंटी को क्या पता कि आंटी मैं आराम से चलूंगा, नहीं ठोकूंगा आपकी। और आंटी के पीछे देख रहे हो आप एक छोटा सा भेड़ू का बच्चा, भेड़ का बच्चा आई मीन, इतना प्यारा। तो इस स्पॉट पे हम आधे टाइम रुके थे जिस स्पॉट पे बर्फ़ क्लियर हो रही है। आई डोंट नो मैं तब कैसे निकल गया था यहाँ से, बस यहाँ से बर्फ़ क्लियर हो जाएगी तो हम यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो एंड मैंने दिखा दी हो आपको जगह कैसी है कैसी नहीं। तो यही सब था यहाँ का, इन थोड़ी सी लोकेशन में आपको लग रहा होगा कि सड़क ख़राब है बट जो वहाँ पे ख़राब है ना वहाँ पे डेफिनेटली आपको लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे गाड़ी फंसने में, अगर कहीं फंस जाए तो निकालने में। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो वापस चलता हूँ यहाँ से, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि वापस रास्ता दिखाने का कोई फ़न नहीं बनता, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी ड्राइव नहीं कर पाऊँगा प्रॉपरली। सो अभी यहाँ से चलते हैं, अब मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।